मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को बेल आइकन की घंटी बजा के मेरे अच्छे दोस्त अच्छे मित्र बने। हेलो दोस्तों जी, चलो सबसे पहले मेरा सत श्रीकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के चलो। यार आज मैं आपके पास अब फुली ऑटोमेटिक के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी इंग्लिश में थी, थोड़ी एडिट करके मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा सा, कि जो आपको फुली ऑटोमेटिक के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी, जैसे उसको कैसे रिपेयर करना है और कैसे इसको ठीक करना है। तो आपको ये वीडियो पूरी देखते हैं और पूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पर डे हर वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक, इसके बाद मैं फ्रंट लोड की वीडियो डालूंगा, जो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी डेमो के डिटेल में और रिपेयरिंग की डिटेल में, कौन कौन सी बेसिक टिप्स होती हैं जो आपको रिपेयरिंग करने के लिए आपको फ़ायदेमंद होगी, जो आपके पास होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके पास आपके हर कस्टमर के घर में हर पंप प्राइसेस होते हैं, जो कस्टमर पूछते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो आप बता सकते हैं कि हम सब चीज़ें रिपेयर करते हैं। ये आपको काफ़ी आसानी होगी सीखने के लिए, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें मेरे दोस्तों, और आगे शुरू करते हैं वीडियो। हाँ, अगर पीसीबी खोलने के लिए सबसे पहले आप इसके साइड के दो पेज खोल लें और हल्की सी आगे पुश करेंगे तो आपकी एक आगे का पैनल खुल जाएगा आराम से। और अगर इसके पूरे कॉन्टैक्टर खोल लें जो इसके साथ लगे होते हैं, तो उसको खोल लेंगे तो आपकी पीसीबी अलग हो जाएगी, और आपकी बैक साइड इसके जो पेज लगे हुए हैं उसको सारे को खोल लो, और जिससे आप को आसानी से रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी आप रिपेयर करा सकते हैं, और नहीं लगानी तो वैसे ही जैसे खुलेगी वैसे ही लग जाएगी। अब दोस्तों हम इसके बैक साइड का पैनल खोलते हैं जिससे आप आसानी से खोल सकें। इसके आप पीछे साइड में दो पेज लगे हैं उसको आराम से खोल लें, कनेक्ट आप प्रेशर से अच्छे से पुश कर लें जिससे आपकी आप बैक साइड खुल जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं करने के साथ। और आप इसको चेक कर लें कोई वायर वुड कटिंग तो नहीं है, कोई वायर कटी हुई है नहीं है, ये आपको दिख रहा है इस पिन बोर्ड का एक कैबिनेट होता है, और ये हमारा इस पिन लोड का मैग्नेट है, जो जिस पिन लोड जो ओपन नट अप होती है ऑटोमेटिक होता है, ये चीज़ इसके लिए बना होता है, ये ज़्यादातर टूट जाता है। और दूसरा ये लोहे की आप चीज़ देख रही हैं जिसमें ये वाटर अवेलेबल होता है, मशीन चलती है कभी पर इसका पैनल खुला खुला रहता है तो बंद नहीं होता, तो ये मेल्ट होकर टूट जाता है। तो आप इसके आसानी से इसके कनेक्टर्स को लूज़ करके आप इसके पैनल को खोल सकते हैं, और जैसे इसको खोलेंगे और वैसे ही लगा दें नया, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा ये इसमें एक सेंसर पुश बटन लगा होता है जिसमें हमारा जो इनलेट जो पाइप ढक्कन होता है खुला रहता है तो वो चलता रहता है, इसे शॉर्ट हो जाता है कभी कभार, तो इसको आप निकाल के, इसमें दो थिम्बल लगे होते हैं, इसको निकाल के आप नया लगा लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ दोस्तों, आप ये दूसरा फंक्शन है जिससे आपको लग रहा है कि अगर पानी नहीं आ रहा है इसके इनलेट वाल से, तो आप इसका ट्यूब खोल के जो ये दो पेज लगे होते हैं और इसके जो पाइप को आराम से प्लास्टिक का होता है इसको आराम से ओपन कर लें और निकाल लें, और आप इसका जो पॉइंट बना हुआ है इनलेट वाल को चेंज कर लें, और जैसे ही चेंज कर लेंगे वैसे ही जैसे उतारा है वैसे ही लगा लें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वाटर लेवल सेंसर है जी, हमारा मशीन के वाटर लेवल को सेंस करता है, जिसमें आपको अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके आराम से पेज को निकाल लें। इसमें एक पाइप लगा होता है, इसको आप हुक्स के द्वारा लगा होता है, इसको आराम से निकाल लें और इसके जो पॉइंट को खोल लें, आप इसको चेंज करके दोबारा लगा सकते हैं, जिसमें ये देख रहे हो ये एयर होती है इसमें, ये वाटर लेवल को सेंस करता है। हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें पावर सप्लाई ऑन ऑफ में फंक्शन पूरा से जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो अदरवाइज इसका ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाता है तो आप इसके आराम से वायर को चेक कर लें, कई बार जुआ काट जाता है,
तो आप इसकी पूरी वायरिंग देख लें, और जैसे ही ट्रांसफार्मर को अलग करना है वैसे ही वायरिंग के जो इसके साथ जोड़ी होती है ट्रांसफार्मर की वायरिंग को काट के अलग कर लें, जिसमें आपका ये ट्रांसफार्मर अलग हो जाएगा, जिससे आप दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हमारी वॉशिंग में कई बार अनबैलेंस कपड़े फाटने लग जाती है, तो इसका प्रॉब्लम होता है कि कभी कभार इसका गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार इसका पल्सेटर ख़राब हो जाता है। तो आप पल्सेटर को चेंज कर सकते हैं, इसका एक ही पेच लगा होता है, उसको आप खोल के इसको डिसमेंटल कर ले, दूसरा पल्सेटर लगाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों इसका हम पूरा कैबिनेट छीन देखते हैं, रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। जिसके अंदर अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कोई डैमेज हो जाता है, वो आपकी पूरी प्रॉपर नहीं ले पाता, तो आप इसको पूरी रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसका टॉप खोल लें, और पहले इसका पल्सेटर आप निकाल लें। साइड के जो पेच लगे होते हैं, जिसमें एक वाटर सेंसर होता है, इसमें तो वाटर लगा होता है, जिसमें लिक्विड होता है, जिसमें हम ड्रम को पैनलेस बना कर रखता है। इसका आप नीचे का भी जो चार नट लगे होते हैं ड्रम के, इसको आप खोल लें। आपका स्पिन टब जो होता है, जो रोटेट करता है, ये खुल जाएगा। दोस्तों अब इसका हम गियर बॉक्स खोलते हैं। सबसे पहले आप पल्सेटर को निकाल लें। अब इसके अंदर जो एक बड़ा नट लगा होता है, जो आपको आराम से किसी में एलकी के थ्रू लगा होता है, किसी के साथ नट के लगा होता है, और नीचे के भी बैग नीचे के भी आप इसके जो बोल्ट रखते हैं कैबिनेट को खोल लें, और आप इसकी वी बेल्ट को निकाल दें, जिसके आप चार बोल्ट लगे होते हैं उसको आप निकाल लेंगे तो आपके पल गियर बॉक्स बाहर आ जाएगा। जैसे निकालोगे वैसे लगा दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका आपको ध्यान देना है, जो इसका ड्रेन लेवल के साथ रहता है उसको सही लेवल पे लगा रहना चाहिए। दोस्तों अब हम इसकी वॉश मोटर इसकी हम चेंज करते हैं। इसका ये इसको बहुत सिंपल है, जैसे इसके नट खोलेंगे वैसे ही आपकी इसकी बाहर पूरी मोटर आ जाएंगी, जैसे हम निकालेंगे वैसे ही लगा दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप उसके बाद